अरे एकता, हाय। तुम हेलो। क्या बात, कॉलेज के बाद एकदम से गायब ही हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मैंने पूरे ग्रुप से पूछा तेरे बारे में, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और वो श्वेता तेरी फ्रेंड, वो कुछ बताती नहीं है। वो क्या ये है लो ना, आइसक्रीम। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। मजाक मत कर एकता। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ये मेरे हस्बैंड है गगन। मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, तूने इस लड़के सॉरी इस अंकल से शादी की है। देख, अपनी जुबान को ना कंट्रोल में रख के बात कर। ठीक है, तेरा गुस्सा होना जायज है, अब किस्मत पे किसका जोर है। लेकिन फिर भी तुझे नहीं लगता तेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है? वैसे एक बात बोलूं, अगर तेरे को इसी से शादी करनी थी तो मेरे में क्या बुराई थी? ये लो। ओ रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। ओ रब्बा जानदा, रब्बा जानदा। एकता सुनो तो। क्या है? एकता, मैं आपकी फीलिंग्स को ना समझ सकता हूँ, और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश भी तो कर रहा हूँ ना। नहीं समझ सकते तुम मेरी फीलिंग्स। और क्या बदला है तुमने? कपड़े बदल लेने से सूरत भी बदल जाएगी क्या तुम्हारी? मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा। कब तक? अभी तो चंद लोग मेरा मजाक बनाते हैं, जब सारी दुनिया बनाने लग जाएगी तब। और मुझे ये बताओ, क्या क्या सुधारोगे? ये शक्ल, ये अकल, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, क्या क्या बदल लोगे? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो जाओ? आपको ऐसे दुखी देख के ना मेरा मन भी बिल्कुल उदास हो जाता है। एक काम करो, मर जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ना तुम ही हो। और बार बार मेरे पीछे आना बंद करो। राहें ऐसी जिनकी मंजिल ही नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वही। सांसे हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। क्या हुआ एकता, सरदर्द हो रहा है क्या? मैं ना ऐसा करता हूँ, आपके लिए कॉफी बना देता हूँ, आप गरम गरम कॉफी पियोगे ना, उससे आपका सरदर्द भी ठीक हो जाएगा। मेरा ना सरदर्द तुम ही हो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एकता, आप हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो? वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, हम ना आज मॉल में चलते हैं। अच्छा, किस खुशी में? अरे इसमें खुशी या रीजन की क्या बात होती है, आप मेरी वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ घूमने तो जा ही सकते हैं ना बाहर। तुम्हारे साथ कहीं जाने से अच्छा ना मैं इस चार दीवारी में कैद रहूं। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा। मेरा ना सरदर्द तुम ही हो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक काम करो, मर जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ना तुम ही हो। यार बेदर्दया, यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया, यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया। हेलो, क्या हाल है? कौन? क्या बात, आवाज भी भूल गई क्या, या फिर भूलने का नाटक कर रही है? तुम? अरे वाह, याद भी आ गया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जैसे तुम मिली थी
इत्तफाक से? मुझे ना तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मेरे को घर का भी पता है। फोन मत काटियो, वरना बात घर आकर भी हो सकती है। क्या दिक्कत है और क्या बात करनी है तुम्हें? कितना टाइम हो गया तेरे को देखे हुए, मिलने आ जा, बात भी हो जाएगी। मुझे ना कोई भी शौक नहीं है तुझसे मिलने का, मैं नहीं आऊंगी। लोकेशन भेज रहा हूँ, 10:30 बजे मिलने आ जाइयो, नहीं तो 11 बजे मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। क्या बात, साथ साथ ही फोन कर लिया? सुन, कल मेरे पास टाइम नहीं है, आज ही मिलते हैं 1 घंटे में वेलफेयर सोसाइटी। ऑन टाइम, नाइस। बोलो क्या बात करनी है? अरे इतने टाइम बाद मिली है, हालचाल तो बता दे। अच्छी हूँ, दिख नहीं रही क्या? दिख तो रही है। बोलो क्या बात, बड़ी जल्दी में आई है? ये सब बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। चल तो फिर ये बता दे, अंकल कैसे हैं? अंकल? कौन अंकल? अरे तेरा हस्बैंड, सुना है अंकल है कोई? जहाँ से भी सुना है ना, गलत सुना है। और वो कौन है, कैसा है, मैं तुझे क्यों बताऊँ? कौन है तू? तेरा एक्स। एक्स ना पास्ट में होता है, प्रेजेंट में उसकी कोई जगह नहीं होती। पास्ट हूँ लेकिन तेरे प्रेजेंट से बेहतर। वैसे तेरे को शादी करनी थी तो मेरे से बोल देती, मैं ही कर लेता। तेरी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उस लड़के से तूने शादी कर ली? एक बात बोलूं वैसे, अच्छा वो मैंने तुझसे शादी नहीं करी, नहीं तो आज मुझे अपनी पसंद पे शर्म आती। और हाँ, मुझसे दूर रह। क्या बात है, तू तो बुरा मान गई। हाथ मत लगा। क्या बात है, तेरे अंदर तो आज भी वही करंट है जो पहले था। और मेरे थप्पड़ में भी वही जोर है जो पहले था। फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मुझसे दूर रह। ऐसे कैसे दूर, तेरा इलाज तो करना ही पड़ेगा। देख ली फोटोज? ये क्या बदतमीजी है? कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहा था, सोचा तुझे भी याद करा दूं। वैसे ये फोटोज मैं तेरे पति को भी भेज सकता हूँ। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? नहीं तो मैं क्यों करने लगा तेरे को ब्लैकमेल? एक बार मैं तेरी लोकेशन पे आया, अब तू आ जा कल। वो क्या है ना, बराबरी रहनी चाहिए। जाना तो पड़ेगा, अगर इसने गगन को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बात बिगड़ जाएगी। मैं खुद बता दूं क्या गगन को? नहीं नहीं, पुराने ख्यालातों का है, तब भी बात बिगड़ सकती है। इस आकाश का मुंह ही बंद करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, क्या चाहिए? तू दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ, वैसे भी मेरे को पता है कैसी शादी है वो। उस जोकर को कितना पति मानती है तू? मानती हूँ या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं उसे धोखा दे दूँ। ठीक है मत दे, बता दे उसे मेरे बारे में। अरे क्या बताऊँ, ये कि कॉलेज में जस्तू मेरा बॉयफ्रेंड था। चल एक काम करता हूँ, ये ना फोटोज भेज देता हूँ उसको सारी, अपने आप समझ जाएगा। देख आकाश, तेरी इस बकवास में मैं तो नहीं आने वाली, तुझे फोटोज भेजनी है ना, भेज दे। अरे रुक भी जा, इतनी भी क्या जल्दी है? हाथ छोड़ मेरा। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। हाथ छोड़। हाथ छोड़। अच्छा हुआ तू भी आ गया, इसे भी साथ ले आई, अब सामने ही बात हो जाएगी। गगन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं,
ये अब आ ही गया है तो इसे भी पता चले कि इसकी बीबी का मैं कौन हूँ। कौन है तू? बॉयफ्रेंड। नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड। बहुत टाइम बिताया इसने मेरे साथ। बीत गया ना, और तेरे को पता है अगर बीता हुआ कल अगर आज में आके मिल जाए तो वो आने वाले कल में जहर घोल देता है। तू तो डायलॉग भी मारता है। चलो एकता यहाँ से। ऐसे कैसे, ये कहीं नहीं जाएगी। तू रोकेगा? है इतना दम? अब तो दम दिखाना ही पड़ेगा। गगन तुम ठीक तो हो ना? बड़ी परवाह है इसकी। अब एक और शब्द अगर एकता की तरफ आया तो ध्यान रखियो, मैं सिर्फ डायलॉग नहीं मारता और भी बहुत कुछ मार लेता हूं। दूर रहियो एकता से, ना तो तेरी सांसें तेरी जिंदगी से दूर कर दूंगा। चलो। गगन तुम यहाँ कैसे आए? क्या दिक्कत है और क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे ना कोई भी शौक नहीं है तुझसे मिलने का, मैं नहीं आऊंगी। सुन, कल मेरे पास टाइम नहीं है, आज ही मिलते हैं 1 घंटे में वेलफेयर सोसाइटी। मुझे तो उसी दिन ही पता चल गया था। फिर तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा किस बात का? आकाश, वो ना आपका बीता हुआ कल था, और मेरे को ये भी पता है बीता हुआ कल कभी भी वापस नहीं आता, और मैं तो आपका आज और आने वाला कल हूँ, और अगर हम अतीत में घुसे रहेंगे तो अपना आज भी खो देंगे। चले घर। मैं ना सॉरी हूँ। किस लिए? मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, हमेशा अपनी अकड़ अपना गुस्सा ऊपर रखा, ऊपरी दिखावे के बारे में हमेशा सोचती रही, ये तो कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। लेकिन मेरे को तो बुरा ही नहीं लगा, और वैसे भी अभी हमारी शादी का हुआ ही कितना टाइम है, 1 साल। एक इंसान के साथ अगर जिंदगी बितानी है तो उसे जानना पहचानना तो चाहिए ही, और उसमें लगता है टाइम। और वैसे भी अरेंज मैरिज होने के बाद जो पति पत्नी एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे को समझते नहीं है, तभी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब लग रहे हो ना एकता के पति। मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी तां दुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी।